Hello, Assalamu Alaikum. So today we are going to discuss about the BS admissions, BS first semester and BS fifth semester in Punjab University Lahore. So उसकी eligibility के बारे में बात कर लें तो बहुत सारे young students से जो कि उसका merit कैसे बनता है और उसकी eligibility क्या है उसके बारे में पूछ रहे थे. तो ये एक special जो video है उनको उनके लिए बनाई गई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बी एस के स्टूडेंट्स हैं उनके पास एफ एस सी की जो है वो डिग्री होनी चाहिए और जो सेकंड डिवीज़न के साथ हो थर्ड डिवीज़न के साथ कोई भी जो है वो सर्टिफिकेट अप्लीकेबल नहीं होगा किसी भी प्रोग्राम के लिए मॉर्निंग या इवनिंग के लिए. इसके साथ साथ जो कैंडिडेट जिन्होंने एफ एस सी या एफ ए किया हुआ है उनके पास सेकेंड डिवीज़न होनी चाहिए फॉर सेल्फ सपोर्टिंग रेप्लिका आफ्टरनून. इसके साथ साथ जो इवनिंग प्रोग्राम्स हैं थर्ड डिवीज़न के लिए वो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल नहीं है और इनकी एज क्या है 24 साल से एज जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके साथ साथ जो है जो फार्मूला है बी एस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए उसका तरीकाकार ये है कि उस हर बी एस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट के पास बी ए या बी एस सी का जो है एसोसिएट डिग्री का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए इसके या इक्वल कोई और भी डिग्री है 14 साल तालीम होनी चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न हो. थर्ड डिवीज़न के लिए वो कबूल नहीं होगी और एज लिमिट जो है वो 26 ईयर. और इसकी सीट्स का जो क्राइटेरिया वो ये है 50% सीट जो होती हैं वो जो ग्रेजुएट्स होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के उनके लिए हैं. बाकी जो रेस्ट ऑफ 50% सीट्स होती हैं वो ओपन मेरिट के ऊपर उनके लिए जो आउट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे स्टूडेंट्स जो बी ए बी एस सी कर चुके हैं और उनके पास सेकेंड डिवीजन है वो सेल्फ सपोर्टिंग रेप्लिका इवनिंग प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम बी ए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए वो एलिजिबल होंगे. इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि दो नंबर जो हैं वो हर स्टूडेंट के उसके एकेडमिक मार्क्स में से जो है वो काटे जाएंगे. जितना जो है मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने एक साल स्किप किया है तो पर ईयर दो नंबर जो है वो काटे जाएंगे पर सेशन. अगर किसी ने दो साल स्किप किए हैं एफएससी के बाद या बीएससी के बाद तो उसके पर सेशन दो दो नंबर काटे जाएंगे. अगर एक साल स्किप किया है तो उसके तमाम स्टूडेंट्स के जो है वो एकेडमिक कार्ड में से दो नंबर काटे जाएंगे. ये है प्राइवेसी जो नंबर्स की है क्राइटेरिया. और रिजर्व्स कोटे की बात कर ली पंजाब स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के उनके लिए 50% सीट्स उनके लिए हैं. बाकी रेस्ट ऑफ 50% से जो है तमाम बाकी आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई करेंगे बीएस के लिए और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए. अब बात कर ली जाए मेरिट फार्मूले की. मेरिट कैसे होता है तो वो फार्मूला इस तरह होता है. इस चैनल की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरिट कैलकुलेटर का मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा. उसमें आप अपने अपने नंबर जो है वो पुट करके नीचे क्लिक करेंगे तो आपका टोटल मेरिट बन जाएगा. वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी उसको भी जो है सेट कर देता हूँ. और उसके साथ साथ मेरिट कैलकुलेटर का लिंक भी. उस मेरिट कैलकुलेटर को जैसे ओपन करेंगे तो अपने अपने नंबर जो है वो उस फिलिंग द ब्लैंक में पुट करेंगे तो आपका जो क्राइटेरिया बन जाएगा. आपने अगर बीएस के लिए अप्लाई करना है तो आपको एफएससी के मार्क्स और मैट्रिक के मार्क्स पुट करेंगे. साथ एडिशनल मार्क्स का जो है वो ऑप्शन आएगा. एडिशनल मार्क्स मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपने जो है वो अगर आपके पास हैं टोटल करके उनको वहाँ पुट कर देंगे. अगर बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए आपने मैट्रिक एफएससी और बीएससी के मार्क्स पुट करने हैं उसके साथ साथ आपने एडिशनल मार्क्स का जो पुट करना है नीचे आ गया टोटल जो है मार्क्स आपके आ जाएंगे. रही बात के एडिशनल मार्क्स कौन कौन से ऐड होते हैं. अगर आपके पास हाफिज़े कुरान है आप तो 20 नंबर आपके ये हो गए. ये उसमें टोटल कर लेना इन सबको हाफिज़े कुरान के 20 नंबर. इसके साथ अगर आपके पास इलेक्टिव मार्क्स हैं तो 20 उसके ऑप्शनल के 10 मार्क्स. ये आपका क्राइटेरिया होगा सब्जेक्ट्स. अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है उसके भी 20 नंबर काउंट होंगे. एडिशनल इलेक्टिव होंगे तो 10 नंबर. एडिशनल ऑप्शनल अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसके 5 नंबर सब्जेक्ट्स वाइज. और कम्बिनेशन जो होता है सब्जेक्ट का 10 नंबर उसके. तो सब्जेक्ट के मार्क्स जो होते हैं वो जितने आपने सब्जेक्ट में मार्क्स लिए वो. और इसके अलावा जो अगर कोई आपने
मार्क्स हैं आपके पास के सर्टिफिकेट या क्रिया से, तो वो 5 से 10% हो। अगर आपका 100% एकेडमिक वीटेज जो है वो आ रहा है, तो उसको आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 100 में। इन केस अगर आपका 70% एकेडमिक रिकॉर्ड आ रहा है, आपने उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 70% से। तो ये फॉर्मूला है। इस तरह दो दो नंबर वाली बात होगी कि तमाम स्टूडेंट्स के दो नंबर काटे जाएंगे। वो कैंडिडेट जिनके पास हाफिज़ क़ुरान का डिप्लोमा है, उनको जहाँ से लिया है वहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो लेके आना होगा। साथ साथ जो है डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी जो है उसके इंटरव्यू के दौरान वो चीज़ें सारे सर्टिफिकेट जो है वो देखेगी और कुड रिसाइट इट फ्राम जहाँ से भी चाहेगी उससे तलावत भी करवा सकते हैं। और ये है क्राइटेरिया, ठीक है। तो लिंक जो है दोनों वो इस वीडियो में दे दी जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई के भी और अपने मेरिट कैलकुलेटर के भी, ठीक है। तो ये वीडियो जो है स्पेशल फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जो कि बीएस में एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहती हैं बीएस के लिए, और जिन्होंने बीए बीएससी किया है और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर की। सो थैंक यू।